हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको कोरल ड्रॉ X7 के अंदर लेंस इफेक्ट बताऊंगा। लेंस इफेक्ट के अंदर एक ऑप्शन है कस्टम कलर मैप, ये मैं आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ X7 के अंदर। जैसा कि ये मेरा कोरल ड्रॉ X7 खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको आज बताऊंगा, इफेक्ट के अंदर एक ऑप्शन है लेंस इफेक्ट बताऊंगा, और इसके अंदर लेंस के अंदर एक ऑप्शन है कस्टम कलर मैप। इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कस्टम कलर मैप के लिए हमें टेक्स्ट टाइप करना होगा। तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स है कोरल ड्रॉ 7 के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स, और ये जो टूल है इसे हम लोग टेक्स्ट टूल बोलते हैं, जिससे हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट टाइप करना होगा। तो सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक किया, और पेज के किसी भी हिस्से पर आप क्लिक करें। करने के बाद एक टेक्स्ट टाइप करते हैं। मैं टाइप किया GAUTAM गौतम, मैं टाइप कर दिया ऐसा। और इसके निचले हिस्से राइट हैंड साइड के कॉर्नर पोर्शन पे निचले हिस्से में माउस पॉइंटर रखें और इस तरह ड्रैग कर दें। और ड्रैग करने के बाद मेरा टेक्स्ट इंक्रीज हो गया। और ये जो कर्सर अभी ऑन ऑफ कर रहा है, जब आपने टेक्स्ट लिख लिया है, इस कर्सर को कैसे हटाएंगे, आप टूल बॉक्स में जाएं और सबसे ऊपर में देखें लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टूल है, इसे हम लोग पिक टूल बोलते हैं, इस पर क्लिक कर दें तो आपका कर्सर चला जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट है इसे ज़रा मैं कलर कर लेता हूँ। कलर करने के लिए आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो देख सकते हैं कलर पैलेट, बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे जो कलर आपको पसंद है, मैं इसमें से रेड चूज़ किया मैंने। ये मेरा टेक्स्ट रेड हो गया। लेफ्ट क्लिक करने से ही कलर फिल हो जाता है, और राइट क्लिक करेंगे तो इसका आउटलाइन कलर हो जाएगा। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है, इसे अगर मैं बोल्ड करना चाहूँगा तो प्रॉपर्टी बार सबसे यहाँ पे देखें BIU लिखा हुआ है, ये बोल्ड के लिए। टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक कर दें तो देखिए आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ लेंस इफेक्ट का कस्टम कलर मैप का उपयोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं अगेन टूल बॉक्स में जाऊँगा, और यहाँ पर देखें ये रेक्टेंगल टूल है, इस पर मैंने क्लिक किया, और इस तरह जो लिखावट है उसके ऊपर इस तरह मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब ये जो रेक्टेंगल बॉक्स मैंने ड्रॉ किया, इसे भी मैं ज़रा कलर कर देता हूँ। तो मैंने दूसरा कोई कलर चूज़ कर टूल बॉक्स में गया और एक कलर चूज़ किया, इसे मैंने फिल कर दिया। ये देख सकते हैं मैंने कलर एक रेक्टेंगल बॉक्स लेकर इसे मैंने फिल कर दिया। फिर अगेन पिक टूल पर मैं क्लिक करूँगा। करने के बाद ऊपर में देखेंगे टाइटल बार है, ठीक उसके नीचे मेनू बार है। यहाँ पर देखें एक ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करें और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखें लेंस, लेंस पे क्लिक करें। लेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक राइट हैंड साइड में लेंस का एक डॉकर बॉक्स खुल जाएगा। ये आप देख सकते हैं लेंस लिखा हुआ है, इस तरह डॉकर बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ देखें एक बॉक्स है, वहाँ भी कस्टम कलर मैप ऑप्शन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं है कस्टम कलर मैप तो आप इस राइट हैंड साइड में एक बटन है डाउन बटन, उस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, कस्टम कलर मैप इस पर क्लिक करें। कस्टम कलर मैप पे जैसे ही कस्टम कलर मैप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट पैलेट। यहाँ देखें फ्रॉम और टू, यहाँ पे दो कलर है, एक आपका आसमानी ब्लू है, दूसरा है ग्रीन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर जो फिल किया था, यहाँ पे देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। आप चाहें तो यहाँ से फ्रॉम में क्लिक करें, कोई सा भी दूसरा कलर चूज़ कर सकते हैं, और फ्रॉम और टू, टू में जाके भी यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज़ कर लें। ये जरा सेम टू सेम हो गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसे इस तरह मैंने ड्रैग कर दिया। देख सकते हैं मैं टेक्स्ट अलग कलर है, रेड कलर, और ये जो बॉक्स है इस पर मैंने क्लिक करके इसे ज़रा इस तरह छोटा कर लिया। इधर राइट हैंड साइड से भी इस तरह मैं ड्रैग कर दूंगा बॉक्स को, इसे भी ज़रा मैं टेक्स्ट की तरह साइज कर लिया मैंने। ये देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट पीछे का जो टेक्स्ट कुछ और कलर है, इस तरह ड्रैग कर दिया मैंने हल्का सा इसे इस तरह, इसे मैं ड्रैग करके ज़रा ज़रा इस तरह इस पर रख दिया मैंने। ये देख सकते हैं दो कलर हो गया। अगर ये जो आउटलाइन जो कलर है बॉक्स का, अगर इसको हटाना है तो आप कलर पैलेट में जाएं, राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कलर का पैलेट है। यहाँ पे देखें क्रॉस का एक बटन दिया हुआ है, ये मतलब ये आपका नन कलर के लिए, इस पर आप राइट क्लिक कर दें तो आउटलाइन कलर जो होगा बॉक्स का वो चला जाएगा। तो इस तरह आप कस्टम कलर मैप का उपयोग कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। ये आप देख सकते हैं पहला एक कलर है रेड है, उसके बाद एक ब्लू फिल है, उसके बाद ग्रीन कलर है। यहाँ से और भी कलर आप कस्टम कलर मैप से आप चूज़ कर सकते हैं, दूसरा कलर जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप चूज़ कीजिए।
यहाँ पे दोनों कलर एक हो गया। यहाँ पे मैंने चूज़ किया दूसरा कलर, मैंने लिया यहाँ से ग्रीन लिया, ग्रीन भी ज़रा डीप हो गया, डीप कलर मैं लेता हूँ एक। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का कलर टेक्स्ट के साथ इस तरह बॉक्स फिल करके कलर आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह का टेक्स्ट आप कस्टम कलर मैप से बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।